हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 3 and 4 फॉर क्लास 9। चैप्टर नेम इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चंस स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्फीयर कैसा होता है? बॉल, और उसी को अगर हाफ कट कर देते हो तो उसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं ना। जितने कटोरे वगैरह होते हैं आपके घर पे जो यूज करते हो वो सारा हेमिस्फीयर का शेप। लेट्स स्टार्ट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूज पाई इक्वल टू 3.14, हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेना। और जो हमारा हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसकी जो फॉर्मूला होती है 3πr². ओके, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल टू 3πr। 3 × 3.1 × 10 × 10। अब यहाँ पे एक चीज हम ध्यान देते हैं कि 10 × 10 100 हो जाएगा, है ना। जब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये 314 हो जाएगा। 300 को 14 को 3 से जब मल्टीपल करोगे तो 942 सेंटीमीटर है, दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज टू बी पम्प। मतलब कि एक छोटा एक बलून था, उसकी साइज छोटी थी, है ना। जब छोटी थी तो उसकी जो रेडियस थे वो कितने थे, 7 सेंटीमीटर थे। फिर उसमें हवा भरी गई, जब हवा भरी गई तो वो 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्फेस एरिया ऑफ बलून। अब उस दोनों के सर्फेस एरिया के बीच का रेशियोज क्या होंगे, बहुत ही ईजी है ना। फाइंड करेंगे, फाइंड दोनों के सरफेस एरिया का, फर्स्ट बलून एंड सेकेंड बलून मैं नाम दे दूंगी। रेशियो बिटवीन टू केसेस, है ना, दोनों केसेस के बीच का हमें रेशियो फाइंड करना। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून का मतलब, कहने का मतलब जो पहले वाला बलून था उसका, एंड सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीज्ड मतलब जब उसमें हवा भर दी गई और वो इंक्रीज हो गए तब की। इसकी जो रेडियस है ऊपर वाला का वो 7 दिया है, नीचे का 14 दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होगा, फोर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पाई से पाई और 4 से 4 कैंसल हो गया। ओके, अब इनकी क्या है, 7 × 7 एंड इसका क्या है, 14 × 14, 7 × 2 and 7 × 2 विच इज 1/4। तो रेशियो क्या हो गए, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपका, बहुत ही इजी था। बस क्वेश्चन को रीड करो और उसे आप अच्छे से, अगर आप रीड करते हो, समझने की कोशिश करते हो तो बहुत इजी था। बस दोनों के बीच का भी रेडियस फाइंड करनी थी इस तरीके, रेशियो फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से हो गया। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।